आज हम बताने वाले हैं आपको कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, वाई शुड बी स्टडी मैथमेटिक्स, हमें स्टडी मैथमेटिक्स ही करें क्यों, ये बताने वाले हैं आपको आज। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है बेनिफिट, क्या एग्जाम देने के लिए, पास होने के लिए, क्या या और भी फायदे हैं कुछ, लाइफ टाइम आगे भी, या सिर्फ पास होने के लिए, लाइफ टाइम के लिए। हाँ, अब हम वही बताने वाले हैं आपको कि लाइफ टाइम का फायदा क्या है मैथमेटिक्स पढ़ने में, मैथमेटिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, ओके। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट नॉट फॉर द एग्जाम, जस्ट फॉर एग्जाम, इट इनहेंसेस योर कैपेसिटी टू थिंक, ये आपकी माइंड की कैपेसिटी को एक्सप्लोर करता है और थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, जो कि आपको लाइफ टाइम में चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं उसमें काम देगा। अच्छा बताइए, किसी की लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा वो इंसान, वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसकी थिंकिंग स्किल्स पर, बहुत अच्छा। योर एज, वेरी गुड, गुड आंसर। तो उसकी थिंकिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि वो इंसान कितना लाइफ में आगे बढ़ेगा, कितना कामयाब होगा, कितना सक्सेसफुल होगा जिंदगी में अपनी। यस, इजंट इट, यस। तो दिस इज द सब्जेक्ट टू इनहेंस द पावर ऑफ माइंड, द पावर ऑफ माइंड। ये सब्जेक्ट वो है, जितना पढ़ते हैं हम, हमारे माइंड की पावर उतनी ही ज्यादा एक्सप्लोर होती है। बट कैसे, कैसे, जब हम कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, तो क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे माइंड में, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, थिंकिंग सेल्स, न्यूरॉन्स, ये हमारे माइंड में होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन, 100 बिलियन, 1 बिलियन, यू नो ना, 1 बिलियन, हाउ मच इट, हाउ मेनी नंबर्स, 1 बिलियन इन हिंदी, 100 करोड़, 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़, 100 करोड़ मीन्स 1 बिलियन मीन्स 1 अरब, 1 अरब, 1 अरब, लेकिन कितने अरब हैं, 100 अरब न्यूरॉन्स जो आपस में सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू फायर्ड एंड वायर्ड होते हैं, फायर्ड एंड वायर्ड। कैसे, जब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है, जद्दोजहद कर रहे हैं, माइंड में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, ये नए सिग्नल्स पैदा करते हैं माइंड में, अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स पैदा होते हैं। देखो, क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए डजंट मैटर, बट आपने जो स्ट्रगल किया है सॉल्व करने का, जो आपने कोशिश करी है, जो आपने जोर दिया माइंड पर, वही काम का है। उसने क्या किया, माइंड के न्यूरॉन्स को कनेक्ट किया आपस में और ज्यादा। जब ज्यादा कनेक्शन होंगे माइंड में न्यूरॉन्स के बीच में, तो हमारी थिंकिंग पावर एक्सप्लोर होगी, बढ़ेगी, और वो थिंकिंग पावर जो एक्सप्लोर होगी वो हर एक फील्ड में हमारे काम आएगी, डिसीजन मेकिंग में, कैसे डिसाइड करते हैं, सोचने में, एनालाइज करने में, एनालिटिकल पावर बढ़ाने में, माइंड की एनालिटिकल पावर बढ़ाने में। और जितना एनालिटिकल पावर होगा माइंड का, उतना ही लाइफ में सक्सेस उसकी आएगी, मतलब उतना सोच पाएगा, उतना अच्छा डिसाइड कर पाएगा, उतना अच्छा कम्युनिकेट करेगा, उतनी ऊंची गहरी बातें करेगा, कैसी, डीप टॉक, जो आपसे बात करने के बाद दूसरा सोचेगा यस कुछ गहराई है बातों में, ये स्टूडेंट बहुत अलग है। अच्छा, एग्ज़ाम तुम्हारा होता है,
एग्जाम तो हो ही जाता है, एग्जाम तो एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन टारगेट हमारा एग्जाम नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त, टारगेट होना चाहिए माइंड की न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाना। जितने ज्यादा कनेक्शंस उतनी एबिलिटी का डेवलपमेंट, थिंकिंग पावर, ग्रेट, वेरी गुड, इज इट क्लियर। बट अभी क्या है, हमारा टारगेट जो होता है स्टूडेंट को पता ही नहीं है, टारगेट ये होता है कि हम एग्जाम में पास हो जाएं किसी भी तरह से, बस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, ये तो होता सोचते ही जाते। लेकिन इसका बेनिफिट जो है बहुत अलग है, बेनिफिट है लॉन्ग टर्म के लिए, जिंदगी भर के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस, वेरी गुड। अच्छा अब बात आती है कि हमने क्वेश्चन ट्राई किए एक दिन में 50, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ट्राई किया आपने, तो 50 क्वेश्चन ट्राई करते वक्त कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे आप ध्यान रखें। अगर आपने ट्राई किया पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा किया नहीं आया, तीसरा किया नहीं आया, फिर होता क्या है अक्सर कि हम ट्राई करना छोड़ देते हैं, हमको नहीं आ रहा, हम मैथमेटिक्स हम नहीं कर पाते हैं, हमें आता ही नहीं है मैथमेटिक्स, ऐसा सोच के वो बंद कर देते हैं, तो ये सोचते कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतना ट्राई किया हमने, 10 क्वेश्चन ट्राई किए हुए नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ, गलत, फायदा हो चुका है। आपने जो ट्राई किया है उसने क्या किया बताओ, जो कनेक्शन, हाँ नए कनेक्शन पैदा हुए माइंड में, और हमारा मेन मोटिव क्या है, नए कनेक्शन पैदा करना न्यूरॉन्स के बीच में, यस और नो, या तो जो आंसर आए या ना आए नए कनेक्शन पैदा हो रहे हैं, इसने भी काम किया, इसने भी काम किया माइंड के लिए, इसने भी काम किया, लास्ट में आंसर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइंड का डेवलपमेंट जो होना था हो गया, कोशिश ने किया, आपने जो कोशिश करी है, आपने सोचा है, दिमाग में जोर पड़ा है, वो कोशिश ने आपके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को इंक्रीज किया है। हाँ अच्छा अब बात आती है टफ क्वेश्चन, आप ट्राई करते हैं टफ ट्राई करो, टफ में होगा माइंड जो है और ज्यादा सोचने के लिए मजबूर होगा, और ज्यादा जोर पड़ेगा, स्ट्रेच होगा माइंड, होगा नहीं होगा, वेरी गुड, स्ट्रेच होगा माइंड, ज्यादा टफ क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रेच होगा, आंसर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन 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 अगेन, बस वो फिनोमेना अगर आपको समझ में आ गया कि हम ट्राई क्यों कर रहे हैं, आंसर आने से और ना आने से फर्क नहीं पड़ता है, ट्राई करने ना करने से फर्क पड़ता है, नहीं करेंगे तो कोई आपको कोशिश नहीं है, कोई जितने न्यूरॉन्स की कनेक्शन पहले थे उतनी अब ट्राई नहीं किया है कुछ, समझ में आया। अच्छा अब हम सिंपल क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो एक फायदा ही होता है कि अगर आंसर आ जाता है तो हमारा इंकरेजमेंट बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है, बिलीव बढ़ जाता है अपने ऊपर कि भाई हमें आता है अब तो हम कर लेंगे सिंपल क्वेश्चन ट्राई करने से, ठीक है। बट सिंपल क्वेश्चन के बाद टफ क्वेश्चन ट्राई करना ना भूलें, उन्हें ट्राई जरूर करें। रीज़न क्या है, रीज़न ये है जैसे हम अपनी मसल्स, बॉडी मसल्स को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, वेट अपलिफ्ट ना करते, नहीं करते एक्सरसाइज, वेट को उठाते हैं, भारी को उठाते हैं ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा जितना होता है हमारे अंदर दम उतनी कोशिश करते हैं। तो क्या हम जब भारी वजन उठाते हैं, वेट उठाते हैं तो हमें अच्छा लगता है क्या, इतना अच्छा नहीं लगता है ना, जोर पड़ता है मसल्स पर, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई अब बढ़ रही है, दिख रहा है शरीर ना, बॉडी दिख रही है ना, हमें दिख रहा है तो हम जोर लगाते हैं, हमें दिख रहा है क्योंकि बॉडी बन रही है हमारी, दिख रहा है। अब माइंड तो दिखता नहीं है, माइंड दिखता नहीं है, तो ये जो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये जो ट्राई करते हैं ये माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये भी मसल है माइंड मसल, ये भी है, इसको मजबूती देने के लिए एक ही तरीका है, इसको क्या करें, स्ट्रेच करें, इस पर जोर डालें, मैथमेटिक्स क्वेश्चन करें,
ट्राई करें। तो इसका मतलब क्या है, आप माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं, माइंड जिम है। आप ये जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्या है, ये जिम है। किसके लिए जिम है? माइंड के लिए। और ये जिम में जाना कौन पसंद नहीं करेगा, जो माइंड की डेवलपमेंट करे। हर कोई जाना पसंद करेगा, बट उसे मालूम होना चाहिए क्या कर रहे हैं हम। मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि भाई इससे क्या हो रहा है, इससे वाली मसल्स बन रही हैं, कहाँ, माइंड में। एक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एक पावर बढ़ रही है। जब हमें ये मालूम हो जाता है कि हम ये ट्राई करने पर क्या हो रहा है, माइंड की मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं, और माइंड की जो मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं, शरीर की बेहतर काम कर रहे हैं। हमारा पूरा जीवन किस पर डिपेंड कर रहा है? माइंड की स्ट्रेंथ पर, माइंड की पावर पर, थिंकिंग पर, डीपनेस पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, कितना सोच पा रहे हैं उस पर। तो माइंड की मसल्स को स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए उसमें हमें मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, ना कि एग्जाम के लिए जस्ट। हमारा रीजन सिर्फ एग्जाम नहीं है, हमारा रीजन है मैथ पढ़ने का, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना, पावरफुल बनाना। इज़न्ट इट गुड? तो आज से आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अपने माइंड के डेवलपमेंट के लिए, ना कि सिर्फ एग्जाम के लिए। एग्जाम तो इतना अच्छा होगा ही, कोई डाउट नहीं है, एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपकी आपका जो गोल है वो माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप बहुत गौर से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे, क्योंकि गोल है हमारा और ऊपर। एग्जाम हमारा है वो गोल नीचा है, ये गोल बहुत ऊपर है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए है ये। जस्ट आफ्टर दी एग्जाम भी खत्म हो जाता है ये वाला गोल होगा, तो कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। अभी हम सोचते हैं क्या मैथ कर रहे हैं, एग्जाम के बाद तो कोई काम आएगा नहीं। नाइन्थ क्लास का या टेंथ का जो भी मैथमेटिक्स क्लास का है वो काम आएगा नहीं, अभी तक काम आया, एग्जाम बेकार, ऐसा नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं अभी वो लाइफ टाइम है। अंडरस्टूड? गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।